बजट को लेकर आम लोगों की क्या कुछ राय है, देहरादून में लोगों का क्या सोचना है, क्या उम्मीदें हैं, वो अब आपको सुनवाते हैं। देखिए, बजट होना चाहिए आम जनता को देखकर होना चाहिए, छात्रों को देखकर होना चाहिए, आने वाला बेरोजगार युवा उनके लिए होना चाहिए, और गृहिणी जो महिला गृहिणियाँ होती हैं उन सबका पॉकेट देखते हुए होना चाहिए कि मध्यम वर्गीय परिवार किस तरह अपना जीवन बसर करेगा और जिस तरह अपने घर को चलाएगा। देखिए सर, हम तो मैं एक छोटी सी कैंटीन चलाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं जैसे तेल हो, गैस हो, प्याज हो, सब्जी हो, ये थोड़ा सा कम रेट में मिले। देखिए, पूर्व में मैं कई सालों से बजट देख रहा हूँ और मेरे को लगता है कि इस बार भी जो बजट आएगा वो गरीबों के हित में आएगा और विकास के उसमें आएगा और गरीबों को इसकी सुविधा मिल पाएगी। तो ये तो देहरादून के लोगों की आपने बजट को लेकर राय सुनी, तो वहीं चमोली के लोगों का क्या कुछ सोचना है इस बजट को लेकर, वो भी सुनी। मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि व्यापारियों को फायदा के लिए सबसे पहले GST जो ज़्यादा है वो थोड़ा कम करनी चाहिए, जिससे आम आदमी को फायदा हो सके और आम जनता को भी इससे लाभ मिल सके। जिस तरह से आज व्यापार में थोड़ा सा मंदी का एक दौर देखा जा रहा है, तो उससे निजात पाने के लिए हम हमारी केंद्र सरकार किन किन मसलों को लेकर या जानकारियां को इकट्ठा करके लोगों से व्यूज जानकर और उस बिहा पे अगर नीतियां तय करेगी तो वो हमारे इस व्यापार क्षेत्र के लिए काफ़ी अच्छा। सीमांत क्षेत्र में जिस प्रकार से पूर्व में भी गवर्नमेंट थी, उन्होंने BRGF योजना स्टार्ट की थी, उससे हमारे सीमांत क्षेत्र में जैसे बॉर्डर चाइना बॉर्डर से हम लोग लगे हुए हैं, उस बॉर्डर पर काफ़ी कुछ उस मद से कार्य हो रहा था, इस समय वो मद बंद हो चुका है और हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार से इस प्रकार के अगर नए नए बजट यहाँ पे दिए जाते हैं तो हमारे पलायन हो रहा है। आज के डेट में जो है ना, सबसे बड़ी चीज़ है तेल। तेल से क्या हो गया है कि हहमारा जो किराया भाड़ा है वो बहुत महंगा हो गया है। महंगा होने से क्या हो गया कि वहाँ से हम जो सामान ले ला रहे हैं बहुत महंगा पड़ जा रहा है, हम ग्राहक को वो सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, व्यापार पे फर्क पड़ रहा है। दूसरा हमारा GST, सबसे इसको सरल बनाया जाए, हम इसको जल्द जैसे भी चाहें बहुत सरल तरीके से भर सकें, हम इतनी फीसें नहीं दे सकते हैं हर बार को फीस देकर और इतने रिटर्न हमारे समझ में नहीं आते, उसको बहुत सरल और सुविधाजनक। से हमें यह उम्मीद है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छे बजट की पहल करें, जो हमारे जैसे हम लोग BTEC करते हैं, BSc नर्सिंग करते हैं, उसके बाद भी युवाओं को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे, उसके जो प्रचलित हो रहा है युवाओं को क्यों रोज़गार नहीं मिल रहा है उसके बारे में केंद्र सरकार अच्छा बजट बनाए जिससे पैसे की बढ़ोतरी हो सके। स्वास्थ्य की दृष्टि से जो हमारे सीमांत जनपद चमोली है, चमोली में तो स्वास्थ्य का हल बेहाल है। हमारे जो सरकारी अस्पताल है, पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय राजेंद्र मुखर्जी ने जो बेस हॉस्पिटल की नींव रखी थी, आज तक भी उस पर कार्य प्रगति पर संभव नहीं। मोदी सरकार से ये कामना करता हूँ कि हमारे उत्तराखंड में शिक्षा की बड़ी समस्या है, तो आप हमारे पहाड़ के लिए बजट के लिए कुछ स्पेशल प्रावधान रखें, जिससे कि हमारे सीमांत जनपद से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ की शिक्षा की गुणवत्ता कुछ बढ़ाया जाए और सरकारी स्कूलों में सरकारी व्यवस्था अच्छी। पहली बात तो ये है कि जब तक हम गाँवों का प्लान नहीं रोक पाएंगे तो ये बजट जो है हवाई दिखेगा। अगर गाँव के विकास की सही सोच रखनी है तो यहाँ के बेरोजगारों का, यहाँ स्वास्थ्य शिक्षा जैसे मुद्दों को, और बड़ा सवाल है कि यहाँ जो ये सीमांत क्षेत्र है, यहाँ की दूसरी पंक्ति, सेना की दूसरी पंक्ति मानी जाती थी यहाँ के सीमांत गाँव, वो सारे गांव खाली हो रहे हैं। उसके खाली होने के पीछे का बड़ा कारण है कि वहाँ रोजगार नहीं है। जो बजट पेश होने जा रहा है 1 फरवरी को, तो उसमें नौकरी वर्ग पेशा की यही एक मांग रहती है कि टैक्स में रियायत मिले। वर्तमान में 2.5 लाख तक शून्य है, तो जो कि बढ़ के करीब 5 लाख होना चाहिए। और कई तरह की जो सुविधाएं हमको नहीं मिलती हैं, जैसे किराए वगैरह भत्ते में है और कई उसमें इसलिए हैं, तो वो हमको हमारी मांग है कि टैक्स में सरकारी वर्ग के लिए थोड़ी रियायत दी जानी चाहिए, ताकि आमजन और नौकरी पेशा लोगों को थोड़ा सा राहत मिल सके। दरअसल केंद्र सरकार जो बजट पेश कर रही है उसमें ये चाह रहे हैं कि एक तो किसानों के लिए अच्छी रणनीति तैयार करें, ताकि जो उन्हें योजनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं केंद्र सरकार के द्वारा, उन डायरेक्ट उन तक उसका लाभ पहुंचे। बजट ऐसा होना चाहिए कि व्यापारी को राहत मिले, किसान को राहत मिले, छात्र को राहत मिले, महिलाओं को राहत मिले, देश की जो अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, देश डूब रहा है, वो कुछ उठ सके।
हमारा रेलवे डूब रहा है, हमारा रेलवे उठ सके, इस तरह का बजट होना चाहिए कि कर में छूट बढ़े लेकिन देश की अर्थव्यवस्था साथ में तरक्की कर सके, इस तरह के बजट की हम डिमांड करते हैं। हम सीधा तरह ये चाहते हैं, आज की डेट में सबसे ज्यादा जो आम जन है वो महंगाई से थोड़ा त्रस्त है। गवर्नमेंट को चाहिए कि बजट में पब्लिक के लिए ज्यादा ज्यादा फायदा मिले, इसे अनाज ये सब्जियां सस्ती हों, दालें आज जैसे और तेल सरसों का या रिफाइंड का हर तेल में महंगाई है, इसको कंट्रोल करने के लिए जैसे हिमाचल में या दूसरी दुकानों में तुम्हारे वो आ रहा है, सब सामान कंट्रोल के माध्यम से दिया जाता है और बाजार भी उसमें एक लेवल पे रहता है। अच्छा हो कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा सौदा जो महंगाई अभी बीच में आया था टमाटर और आलू वगैरह भी गवर्नमेंट विचार कर रही है कि राशन के माध्यम से बिके अगर महंगा होता है तो, बहुत अच्छा विचार था और चाहिए भी। बजट पेश करने तो जा रही सरकार, कई निर्णय भी सरकार ने अच्छे लिए, पर धरातल पे जो है गरीब आदमी आज भी जस की तरह स्थिति में है। छात्रों के लिए जो है जैसे कि आप बहुत दिनों से देख ही रहे हो, बहुत सारी समस्याएं जो है छात्रों के बीच जो है इस सरकार को लेकर आ रही है। जब से केंद्र में सरकार बनी है और राज्य में ये सरकार बनी है तब से जो है छात्र वर्ग जो है आंदोलनों पर मजबूर है, लगातार जो है फीस बढ़ती जा रही है, उस शिक्षा में जो है लगातार मारामारी जो है छात्रों के बीच में है और महंगी महंगी जो है फीस देकर जो है छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी जो है नौकरियों का जो है ग्राफ जो है बहुत गिरता जा रहा है।